आइए आज हम बनाएंगे संक्रांति स्पेशल तिल के गुड़ वाले लड्डू। तो इसे बनाने के लिए हमको कुछ ज्यादा सामान नहीं चाहिए, सिर्फ हमने ये 200 ग्राम तिल लिए और हमको 200 ग्राम ही गुड़ चाहिए, क्योंकि तिल और गुड़ बराबर के होंगे। तो आइए सबसे पहले हम तिल को हल्की आंच पर भून लेते हैं। ये पैन हमारा गर्म हो चुका है, हम इसको एकदम धीमी गैस पे हम इसको भून लेंगे हल्की हल्की। इसको हम ज्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा। ये तिल हमने धीमी गैस के ऊपर सेके थे, ये देखिए इसको हम ज्यादा नहीं सेके हैं, खाली बस इसका कलर चेंज करना है, खाली बस व्हाइट से हल्के ब्राउन इस बस ऐसा कलर हो जाए, ये देखिए इस तरह का। चलिए हम इसको ठंडे कर लेते हैं। अब हम इसको बिल्कुल खाली बस एक बार घुमाएंगे, इसको हम ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, खाली थोड़ा सा एक बार बस मिक्सी में डालना निकालना बस। ये हमने तिल पीस लिया है, हमने जैसा आपको बताया था, इसको ज्यादा वही नहीं करना है, ये देखिए बस इस तरह का खाली हल्का सा मिक्सी घुमाना है बस। अब हम इसमें थोड़ा सा खाली चौथाई कप पानी डालेंगे, इसमें हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे चाशनी बनाने के लिए, और जो हमने गुड़ निकाला था वो हम इसमें डाल देंगे। हमने जो चाशनी चढ़ाई थी वो चाशनी एकदम से तैयार है, चाशनी बनी या नहीं बनी हम इस तरीके से देख लेंगे, ये खाली उंगली में पानी लगाएंगे और इस तरीके से हम चेक कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसके डल्ली बननी चालू हो गई है, देखिए इस तरह से। तो चलिए चाशनी एकदम तैयार है, अब हम इसमें हमने तिल पीस के रखे थे वो हम इसे मिला लेंगे, और हमने जो इसमें तिल डाले हैं वो हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये तिल मिलाने के बाद में हम इसको अब लड्डू इसके कैसे बनाएंगे सबसे बड़ी टेंशन वाली वो बात है। तो चलिए हम आपको एकदम इजी तरीके से बताते हैं कि इसके लड्डू कैसे बनाएं। इस तरह से हम थोड़ा नॉर्मल पानी है ये, इस तरह से हम हथेली पे लगा लेंगे, उसके बाद इसमें से उठाएंगे थोड़ा और इस तरह से गोल गोल कर देंगे। ये देखिए हमारे तिल के लड्डू एकदम फर्स्ट क्लास बन गए हैं, इस तरह से ही हम पूरे लड्डू बना लेंगे। साइज आपको जितना चाहिए आप उतना बड़ा साइज ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से तिल के लड्डू हमारे बन चुके हैं। तो तिल के लड्डू हमारे बन चुका है, इसको बनाने का एकदम आसान तरीका, अगर आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे, एक बार आप घर पर जरूर ट्राई कीजिए लड्डू बनाकर तिल के। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूले, और उसी के साथ हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन लगातार पाते रहे अपने मोबाइल पर डायरेक्टली।